पे देखो, ये हम लोग का मशीन घर है। वो मशीन ऐसे जगह घुमाना पड़ता है। देखिए बैठो बैठो, अभी जरूरी हूँ। दादी के पास साड़ी का कलेक्शन देख लीजिएगा ना। अभी भी देख, दादी 100 साल एकदम हिट करेगी। उसका पास एक रुपया भी नहीं है। Hey guys, welcome back to my channel, राहुल डॉट बॉम्बे। तो अभी जा रहे हैं पुराना घर, क्योंकि यहाँ पे आते तो वहाँ पे अपना घर जाना जरूरी होता है। असली घर तुम्हारा पुराना ही घर है, समझो कि नहीं। तो ये तो बोले अपना घर जाना जरूरी होता है। जाओगे तो गाली भी सुनोगे दादी से। हाँ, दादी का शिकायत आता है उनको छोड़ छोड़ के। मायरा को भी टाइम, मायरा को भी प्रसाद से मिला दो। मिल के आई है बाबा, आपका बेटी सबसे पहले गई है गुगल ज्ञान, सबसे मिल के आई है। यहाँ पे मेरी मम्मी एकदम पूरा फायर है, तुम लोग कोलकाता जाने नहीं देंगे। क्या तुम लोग कोलकाता जाने नहीं देंगे? बस गए। मम्मी कहती है तुम लोग कोलकाता जाने नहीं देंगे। अब तुम लोग जाओ चाहे ना जाओ, मायरा को तो जाने नहीं देंगे। आप तो बोलते तुम लोग को भी जाने नहीं देंगे। तो जाएंगे पुराना घर। मैं भी नहीं गया, मैं भी जाऊंगा पुराना घर। अभी जाएंगे? मैं, तुम अभी जाओ, मैं शाम में मिल के आ जाऊंगा। ठीक हम लोग आवारा। जाओ जल्दी। सुनो, दादी के लिए मिठाई ले ली? यस। गुड गर्ल। दादी बोली मिठाई लेके आना मेरे लिए। तो जाओ दादी से मिल लो, वरना दादी भी हमको लगता है 2-3 साल की मेहमान है। कितना गंदे, अच्छा एज हो गया हमको। अरे हो गया मम्मी। अरे कष्ट भी तो होता है, जितना बूढ़ा होता है इंसान उनको उतना ही कष्ट होता है। हाँ। सही एज में चला जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, फिर भरोसा हो जाता है। मेरे दादा अब तो 1 साल बाद 100 साल हो जाएंगे। हाँ हाँ, बर्थडे मनाएंगे हम दोनों बड़े करके। हाँ, कोलकाता में सेलिब्रेट करेंगे। हमको ये आर्यन का ही पैंट बहुत अच्छा लगता है। मेरे को लड़की जैसा लगता है इसका पैंट, सेक्सी लगता है। दीदी चलिए। सेक्सी सेक्सी टांगे, ओह माय गॉड। एक ग्लास दूध पिला देना और एक मिठाई खिला। मम्मी तुम जल्दी 2 घंटे में आ जाना, तुमको वहाँ भी पार्लर भी जाना है। पार्लर नहीं जाएगी। नहीं, ये बोली है कर देती। के वो सूता देख के बोली। कौन बात कर रहा है? धूप क्या कितना कड़क दीदी, पानी पड़ता है ठंडा मौसम। इंसान ससुराल आते हैं तो एक चीज सोचते हैं कि अरे यार फिर जाओ काम करो ये वो, मतलब एक टेंशन लेके आता फिर 2 दिन के लिए। हम ससुराल आते हैं छुट्टी लेने के लिए। इंसान मायके छुट्टी लेने के लिए जाता है। अरे 2 दिन मायके जा रहा है, मतलब छुट्टी। ऐसे भी मेरा मायके में भी हम कुछ नहीं करते, फिर भी अपने मतलब उधर जो हमें भाड़ा भी रहता है वहाँ पर करना पड़ता है। और हम छुट्टी लेके बिहार आते हैं आराम करने के लिए। 2 दिन जाएंगे, खूब आराम खाएंगे। मेरा उल्टा है। अभी तो छाव की, अभी अच्छा कितना अच्छा हरियाली लग रहा है देखो। वो अलग से मैं पूरा ग्रीन मोरी है, ऐसे चावल होता है, मतलब धान रोपा था इससे। धान
अरे बाप रे, कितना अच्छा साड़ी पहनी है दादी के पास। साड़ी का कलेक्शन देख लीजिएगा ना, अभी भी बोलिएगा क्या, कितना अच्छा साड़ी पहन रखी है। आपके पास हम देखे है साड़ी, अच्छा पहनते कहे नहीं है, किसको दीजिएगा साड़ी सब। और एगो और पुतो है ना, तीन वर्ष है एगो, हम एगो वो भाभी बल्कि भाभी, और एगो सब पतो आपको पतो को सब आधा 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 है ना। बंटवारा हो, हम जब भी आते दादी बंटवारा करती है, ठीक है। नया अध्याय शुरू होता है दादी का बंटवारा का। चल जाए, हम पेन पेन के वीडियो बनाएंगे कि हमको डेली फिट टूट गया दीजिए, हम ठीक करके लाएंगे। जाएंगे आज बाजार, वो जो हम ठीक करके गए थे ना, ऐसा क्यों पहन लेते हैं आप। वो जो दादी है ना, इनके ननद है, देखिए इनके ननद है, ननद भौजाई, ननद भौजाई वो भी आएंगे मिलने। हमको बोले कि तुम अभी जाओ, हमने ठीक दादी अभी और जिएगी, दादी 100 साल एकदम हिट करेगी। आज दादी का बर्थडे मनाएंगे हम, दादी का एकदम गाउन पहना देंगे ना, बर्बी वाला गाउन, हमको शौक है बहुत। और दादी को एक बार मेकअप किए थे, हमको पता नहीं वो फोन मेरा चोरी हो गया, वो बहुत सुंदर करके मेरा साड़ी पहना के चूड़ी पहना के मतलब मस्त रेडी कर दिए थे दादी को। फोटो शायद होगा, हम इंस्टाग्राम में छोड़े होंगे। हम तो पता है कितना जल्दीबाजी में आए हैं, हम लोग का आने का प्लानिंग नहीं था। जैसे कि आज है ना, हमारा खूब रोड़े रोड़े दादी जाएंगे और मम्मी इधर भी मम्मी कपस्ती है, अब छुट्टी नहीं ना उसका, स्कूल में हो रहा था। मायरा इतना रोने कपसने लगी ना, तभी तो ऐसे बच्चा का खराब हो जाएगा ना। लास्ट में क्या किया, इसके पापा बोले कि चलो अगर आज का ट्रेन रहेगा ना, चलो मम्मी से मिला के आते, ऐसे भी शनि रविवार पड़ जाएगा, 2 दिन छुट्टी होगा तो कुछ नहीं होगा अगर उसके वाले। तो फिर उसका गए हम लोग तुरंत टिकट किए, मायरा का स्कूल गए, वहाँ पे उनका टीचर के साथ बात किए कि 2 दिन छुट्टी होगा, तो उसका टीचर बोले ठीक है कोई ना। तो फिर हम लोग तुरंत उधर से घर नहीं गए, फिर मायरा का स्कूल का बैग लेके पूरा स्टेशन आ गए हम लोग, फिर घर नहीं आए। नहीं रविवार जाएंगे, दादी कल है घर पे, परसों खाना नहीं खाएगा, यहाँ पे खा लेंगे, ऐसा क्या है। हाँ चलिएगा, हाँ चलिएगा, आपको हम लेके जाएंगे कंधा पर बिठा के। क्या क्या कर रहे बाबा,
कपड़ा आयरन कर रहे हैं। इनका एक 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 चीज है, पापा में भी देखे है, बाबा में भी देखे है, मतलब अपना कपड़ा एकदम टिप टॉप चाहिए, एकदम आयरन करके हमेशा। पता नहीं हम ये चीज पापा में देखे हैं, अभी हम पहली बार बाबा में देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं, बाबा से ही गुन गया है पापा में। अपन कपड़ा एकदम आयरन करके एकदम चकाचक अपना कपड़ा, पापा का कितना पुराना कपड़ा भी अगर देखोगे ना, मतलब हम लोगों को तो नया भी खरीद के दो दिन बाद लगेगा पुराना कपड़ा है। पापा का पुराना कपड़ा भी लगेगा कि एकदम मार देखे, एकदम इससे उजाला देखे, एकदम बहुत अच्छे से एकदम साफ करके रखे। कल जाएंगे ना, फिर परसों चल जाएंगे। आए नहीं अभी, जब मन हम तब चलाएंगे अपना घर। क्या दादी आएंगे कि नहीं? तो अभी हम कौन आए, ये हम भूत है? आएंगे ना, ये तो आए हैं हम। मायरा वहाँ पे रोने लगती तो हमको कोई मतलब मेरा चारा ही नहीं बस, हमको आना ही पड़ता है। फिर दाल देखिए, फिर दुर्गा पूजा में आएंगे, दुर्गा पूजा आप लोगों के साथ मेला घूमेंगे की तो तब ना, तो की मेरा घर में पूजा तब आएंगे नहीं। छह घंटे का तो दूरी है, ज्यादा थोड़ी है। काली पूजा में इधर रहेंगे, छठ पूजा में इधर रहेंगे, दुर्गा पूजा में इधर रहेंगे। दुर्गा पूजा में तो आज मतलब जैसे कि वहाँ पे घूमेंगे, वहाँ पे अच्छा होता है ना, तो सप्तमी अष्टमी में आ जाएंगे इधर, अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी पूरा रहेंगे इधर ही। उधर चार दिन घूम लिए, इधर चार दिन घूम लेंगे। हाँ ठीक है, चलिएगा आप, चलिएगा आपको लेके जाएंगे। तो अभी हम लोग मिलके पार्टी करेंगे। बैठो, ये किसका है? ये लोटा है, ये कितना सुंदर लग रहा है। बनेंगे पानी पूरी वाला, बहुत मन कर रहा था कि पानी पूरी खाए, यहाँ पे आए और यहाँ का पानी पूरी ना खाए तो क्या। प्याज पड़ता और ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन अभी तो नहीं पड़ता। आप तो खाते हैं, अभी बस ये काम करने का धुन चढ़ाया है। देखो देखो गिर रहा लग रहा है, पहले इतना खिला देना तभी खोलेंगे। कटोरी लाया छोटा, ये क्यों लाया, ये रख क्या, छोटे छोटे कटोरी लेके रख का पास, रख का पास, रख का पास, एक रुपया भी नहीं। ज्यादा खा लिया क्या, गिनते नहीं आता। सरस्वती सरस्वती छह में था भाभी, अरे मेरा स्पेशल पानी पूरी है। मामदी पानी पूरी ज्यादा महंगा होगा, मामदी का पानी क्या बोलते हैं पानी। हो गया बस, कटोरे का पानी तू खाए। हम और मेरा जेठानी दोनों मिलके हम लोग पानी पूरी का ठेला देंगे। हाँ हमको गाइस, हम तो नाटक किए, पानी पूरी बहुत अच्छा बना। आइएगा मेरे पास पानी पूरी खाने। आप लोग खट्टू ले लो पानी। तो अभी बाबा आए हैं, मतलब जो हम लोग पंडित जी है वो बाबा आए हैं, उनके लिए भी चाय चढ़ा है। वही मम्मी पूछ रही है कि घर पे कितना बड़ा भगवान मूर्ति हम रख सकेंगे, क्योंकि हर चीज ना मम्मी मतलब मम्मी सोचती सारा चीज एकदम अच्छे से हो, कोई चीज में खोट ना हो, ये ना हो, तो मम्मी का हर चीज क्लियर होना चाहिए। पूजा मम्मी करेंगी, तो मम्मी पूछ ले रही है उनसे, इसलिए हम आ गए अभी चाय बनाने।
थोड़ी देर बाद बाजार जाएंगे क्योंकि बाबा का चश्मा टूट गया है, आप लोग देखे वीडियो में, तो उसको बनवाने जाना है। तो थोड़ी देर बाद हम जाएंगे बाजार, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट ना रहता है हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ऐसे भी इधर रहते हैं ना, तो वो कितना जो मार्केट है हम इतना दो दिन बाद बाद बोलते हैं मार्केट जाएंगे मार्केट जाएंगे, मतलब मार्केट से मन ही नहीं भरता, तो इसलिए थोड़ा सा जाएंगे मार्केट। ठीक है दी, कहा है देखिए किसका है, तोरे बेटी के हाँ ना ये मारा का नहीं है, मायरे पे कल को हाथा से मायरे के चलो। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय।